तो अभी दोस्तों एक या फिर दो तीन दिन के ही अंदर अंदर न्यू FZX वाला जो मॉडल है 2023 वाला, तो वो लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और ये जो न्यू FZX वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा पहले बात तो डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, और उसके ही साथ साथ इसका जो टर्न इंडिकेटर है तो वो आपको देखने को मिलेगा LED में। बाकी तो ये जो बाइक है ना, तो इसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं कि इसके अंदर हमें और क्या न्यू कुछ चीजें देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अगले दो या फिर तीन दिन के ही अंदर अंदर ये जो न्यू FZX वाला जो मॉडल है यामा का, तो वो वाला मॉडल अभी लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। मतलब ये वाला मॉडल पहले भी लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी 2023 अवतार में ये जो मॉडल है तो ये लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और ये जो न्यू मॉडल अभी लॉन्च होगा ना, तो इसके अंदर वो सबसे पहला जो चीज न्यू मॉडल के अंदर जो चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है, तो वो है इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है। तो वही मतलब कि अभी के न्यू FZX वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा इसी बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्प्ले और पीछे के चक्के पर भी डिस्प्ले के साथ साथ डुअल चैनल ABS वाला ऑप्शन। और इसके ही साथ देखो भाई, इसी बाइक के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर्स जो है तो वो आपको LED में देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, ये जो बाइक है तो इसके अंदर आपको पहले की तरह ही लाइट्स का सेटअप है जो, तो वो देखने को मिलेगा इसी बाइक का। ये सामने जो प्रोजेक्टर लाइट है या फिर जो DRL है या फिर जो इसी बाइक का टेल लाइट जो है, तो वो सारा कुछ ही LED के अंदर अंदर। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको जो सस्पेंशन सेटअप है ना, तो वो भी पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। मतलब कि उसके अंदर चेंजेस हुए नहीं है, मतलब बहुत सारा कुछ चीजें है इसी बाइक के अंदर जो कि पहले की तरह ही दिया गया है। और इसके अंदर ये सस्पेंशन सेटअप भी पड़ता है जो कि है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और इसके ही साथ साथ आपको पहले की तरह ही देखने को मिलेगा इसी न्यू वाले बाइक के अंदर भी एक के पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल गेज, ये सारा कुछ सब चीज आपको देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ जो यामा का कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन है ना, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो यामा का जो वाई कनेक्ट वाला ऑप्शन है या फिर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ना, मतलब ऐप के थ्रू में जो फोन को कनेक्ट कर रहे हो, तो वही वाला कुछ सीन जो है तो वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है पहले की तरह ही एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन जो कि 150cc वाला है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो है 12.2 BHP। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो वो है 13.3 Nm। और इसके अलावा 5th speed का आपको गियर बॉक्स भी देखने को मिलेगा इसी इंजन के साथ। और इसके अलावा जो OBD2 सेंसर जो है तो वो भी दिया गया है इसी न्यू वाले मॉडल में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।